हाय फ्रेंड्स, आज आम बनवा दही पोस्त मसला बैगण ग्रेवी। या को बिना प्याज रसुण बनई तेज आप चाहिए या को व्रत उपवास रे भी खाई परिबे। चलंतु एबे आरंभ करिबा, किंतु ता पूर्वरु आपण मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आउ नुवा रेसिपी पे बेल आइकन ने क्लिक करंतु। एई मसला बैगण पे मु एठारे 250 ग्राम छोटो गोटा बैगण नेछि। या को एबे मजुरमती चिरा लगाई डेम्फ सहित बैगण को काटबा, जेमति डेम्फ बैगण सहित लागि रहितिबो। यही मसला बैगण पे गोटा बैगण दरकार। आपण चाहिले बड़ बैगण यूज करें, किंतु गोटा बैगण रे आ टेस्ट आहुरी भल लगे। ये देखंतु एबे सब कटा है कि मोर बैगण रेडी अछि। सेथिरे एबे अल्प टिके लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हलदी पाउडर आ स्वाद हिसाब से अल्प टिके लुण लगाई ए चीरा भितरे मसला गुड़ी को भल भाव लगे नबा। बैगण को रेडी कला मुपटे मसला सजाड़ी नहीं। मसलारे मुठे गोटे बड़ टमाटर कटिकी रखी, ता सहित दुई रु तीनो कंचा लंका कटा, गोटे बड़ चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दुई रु तीन बड़ चम्मच दही, गोटे रु दुई बड़ चम्मच बेसन, स्वाद हिसाब रे अल्प किसी लुण, हलदी पाउडर, आधा चम्मच हेंगु पाउडर। एठारे मु गोटे छोट चमच कला जीरा आ सांगे दुईटा सुखिला लंका नहीं। गोटे बड़ चमच पोस्त को प्रथम भिजे रखी। ए पोस्त बटारे मु गोटे बड़ चमच पोस्त सहित अधा चमच पान मधुरी नहीं। 10 रु 15 मिनिट ताकु भिजेला गोटे ग्राइंडर रे पिसी नबा। से गोटे इंच अदा पकई अल्प टिके पानी दे तार गोटे फाइन पेस्ट बनई नबा। ये देखंतु आमर पोस्त और पान मधुरी पेस्ट बनिकी रेडी अछि। एपटे गोटे कड़ई रे दुई रु तीन बड़ चम्मच तेल को आम भल भाव गरम करवा। तेल जिते भल भाव गरम हो मसला लगा छोट बैगण को मीडियम फ्लेम रे टिके फ्राए करनबा। एबे बैगण को कभर कर दुई रु तीन मिनिट मीडियम फ्लेम रे फ्राए करनबा। दुई रु तीन मिनिट पर बैगण गोटे पट साइड रु फ्राए होगी, ताकू फ्लिप करके आर पट साइड रु भी फ्राए करनबा। ये जस्ट दुई रु तीन मिनिट भितर दुईपट साइड रु फ्राए हो। ये देखते अब बैगण आम भल भाव फ्राए होगला, गोटे प्लेट रे काढ़ी नबा। एबे से ही गरम तेल रे प्रथम आम कला जीरा पकेबा। कला जीरा टिके भाजी ही गले सेथिरे सुखिला लंका को छिड़ेकी पकेबा। एबे सेथिरे आधा चम्मच हेंगु पाउडर पकेबा। हेंगु पाउडर पकेले एथिरे गोटे बढ़िया बासना आसीबो। हेंगु पाउडर को टिके भाजिला परे एबे सेथिरे गोटे बड़ टमाटर कटा पकेबा। एबे टमाटर को कभर करी गोटे रु दुई मिनिट मीडियम फ्लेम रे सॉफ्ट हेला पर्यंत कुक करिबा। गोटे रु दुई मिनिट परे टमाटर एबे टिके सॉफ्ट हेगलाणी। एबे सेथिरे कटा हेइतिबा दुई रु तीनोटी कंचा लंका पकेबा। ए कंचा लंका को आपण टिके बड़ साइज रे काटंतु। एपटे गोटे बाउल रे दुई रु तीन बड़ चमच दही रे स्वाद हिसाब रे लुण, गोटे रु दुई चमच बेसन आ स्वाद हिसाब रे लाल मिर्च पाउडर नबा। एबे सब मसला को दही सहित भल भाव मिक्स करी नबा। मसला गुड़ी को दही सहित भल भाव मिक्स कला परे एही दही को एबे एथिरे पकेबा। दही पकेला बेले गैस को सब लो फ्लेम रे रखंतु, नहले दही कुक कला बेले दही फाटी जिवो। लो फ्लेम में रखी दही को गोटे रु दुई मिनिट बराबर चलांतु। एबे सेथिरे अल्प टिके हलदी पाउडर, एबे सेथिरे अल्प टिके पानी ऐड करके भल भाव रे ताको मिक्स करी नबा। एबे सेथिरे पोस्त आ पान मधुरी रो पेस्ट रु दुई रु तीन बड़ चम्मच पकेबा। एबे ई सब जिंस को भल भाव रे मिक्स करी ताको एबे कुक करिबा। प्रथमे आमे ताको बॉईल हवा को दबा। ये देखंतु इतरे बॉईल आसलानी, भल भाव बॉईल हला परे एबे आमे आकु घोड़े 6 रु 7 मिनिट लो फ्लेम रे कुक करिबा। 6 रु 7 मिनिट परे ये देखंतु एबे ग्रेवी आमारो केमति गाढ़ा हो गलानी। एबे एथिरे प्रथम रु फ्राई करके रखिथिबा बैगण पकेबा। आ बैगण पकेला परे एबे ताकु 4 रु 5 मिनिट पर्यंत लो फ्लेम रे रखी कुक करिबा। 4 रु 5 मिनिट परे कवर काढ़ देखंतु बैगण बढ़िया भाव मसला गुड़ी को सोक करी नेलानी। आ ग्रेवी भी आमर बढ़िया भाव थिक हो।
ଏବେ ଏଥିରେ ଉପରୁ କିଛି କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକାଇବା। ଏବେ ଆମର ଦହି ପୋସ୍ତ ବାଇଗଣ ବନିକି ପୂରାପୂରି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ଏବେ ବନ୍ଦ କରିନେବା। ଏଇ ଦହି ପୋସ୍ତ ମସଲା ବାଇଗଣକୁ କଟା ହୋଇଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ସର୍ଭ କରନ୍ତୁ। ୟାର ଗ୍ରେଭି ବହୁତ ଥିକ୍ ହୋଇଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ରୁଟି ପରଟା ଆଉ ରାଇସ୍ ସହିତ ଖାଇପାରିବେ। ଏହି ରେସିପିକୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସୋମବାରରେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଏହି ବାଇଗଣ ତରକାରୀକୁ ଆପଣ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଏ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।